यार मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? 12 अरेस्ट हो गए हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। कितने? 15-20 लोगों को उठा के यहाँ पर जी। ये तो लोकतंत्र में देखो, ये लोकतंत्र की खूबी है कि एक्शन क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की होगी उन्होंने, उनका अधिकार है सरकार का ध्यान आकर्षित करना, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ध्यान आकर्षित करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर अभी गहलोत साहब ने पीसी करी है, अलायंस भी है इनके साथ में, सड़कों पे कांग्रेस कभी सपोर्ट करती दिखती नहीं है, पीसी में ये लोग कहते हैं हमारा सहयोग हमेशा अलायंस पार्टनर्स के साथ में है, सड़क पे कोई कांग्रेस का लीडर नहीं। तो कोई ऐसा है, ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और इन्होंने देश को लूटा है 60 साल तक। अब जो नए ये इनके गठबंधन इंडिया आ गए, ये भी लूटने में लगे हुए हैं। ईडी सीबीआई जब जांच करती है तो पहले तो कहते थे कोई जांच नहीं होती, और अब जब जांच होने लगी है तो विलाप कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी कोई भी हो जी, छोटा हो बड़ा हो, वो जेल के शिक्षे में जाना चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं को भी ईडी के नोटिस आए थे यहाँ पे, क्या लगता है उनको भी ऐसा एक्शन? हाँ, ईडी को महेश जोशी जी का भी हमने सुना, चूँकि वो जल जीवन मिशन में है, पर कई लोग बच गए जिनके नाम मैंने बताए थे, तो आशा करूंगा कि ईडी उनके घर भी जाए या उनको बुलाए। बट वो भी नोटिस के बाद प्रेजेंट नहीं हुए, क्या लगता है ऐसा एक्शन देखने को? अब नौ बार के नोटिस के बाद भी केजरीवाल जी उपस्थित नहीं हुए, तो अंत में जाना पड़ा ना जेल के शिक्षा में, कब तक बचोगे? कानून के हाथ बड़े लंबे हैं जी।